शांतिरंतरिक्षकुं शांति गे पृथिवी शांतिरावह शांतिरोहदय शांति गे तनतदय शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति गे सर्वगुं शांति गे शांतिरेव शांति गे सामा शांतिरे यदो जगः सनेहदे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो वसुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिभुं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिभुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिभुं भवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् सिद्धिभक्तिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्याम नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः ओम सचिव गुंदराभ्याम नमः ओम माता पित्री चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सभी माता और बहनों से मेरा नम्र निवेदन है, अपने अपने पैरों की पाजेव जो है वो संभाल लें। अगर किसी की पाजेव गिर गई है तो मेरे पास में आकर के लाला जी के पास आकर के ले जाए। ठीक है। कलशार्चनम् तत्वाजामि तत्वाजामि ब्रह्मणाय नमानु अविर्विहे नमानो वरुणेह दर्शकुं समान आये जयमने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकाये जले सन्निधिं कुरु। सूर्याय अर्घ्यम् सूर्य सहस्रांसो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर सदा सवितृमंडल मध्यवर्ति नारायण सरसिज सन सन्निभिष्टः केयूरवान्मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धृत शंख चक्र भगवते भास्कराय नमः। संकल्पः दोनों के हाथ में, एक को अर्घ्य से दे दीजिए, एक को दोनों में दे दीजिए। मनाते चलो अर्घ देते चलो।
शुभ घड़ी के समय देवताओं का आशीष पाते चलो। ओम विष्णु रे विष्णु रे विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम से विष्णु राज्ञा प्रवृतमान से अद्य श्री ब्रह्मणोन्ने द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे बुद्धावतारे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ सम्मत अस्योत्तरद्विसहस्राब्दे पञ्चचत्वारिंशत्यधिकैकोनविंशतिशके सालिवाहने मासानां मासोत्तमे मासे पौषमासे शुभे शुक्ले पक्षे द्वादश्याम चंद्रवासरान्वितायाम गोयल गोत्रोत्पन्नोहम। अपना नाम ले लीजिए, इनका गठबंधन कर दें। खारू इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा एक नियम है। हमारे 16 संस्कार होते गए, उन 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार के लेकर के और जो प्राणांत संस्कार तक होता है, ये 16 संस्कार हमारे हुआ करते गए, तो 15 संस्कार ये 15वां संस्कार है। इससे पहले हमारे 14 संस्कार गायब हो गए। नामकरण जात कर्म आदि जितने संस्कार हैं ये सब गायब हो गए हैं और उनको गायब हो जाने के कारण से हमें पाप लगता है। अब पाप का प्रायश्चित जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम जो गए कन्यादान करने के अधिकारी नहीं बन पाए। पाद्यम प्रति गृह्णामि, पैर उसके अंदर रख दीजिएगा बायां पैर और इनको धोइएगा। पखारो इनके चेनो बोलिए अर्घा प्रति गृह्यताम अर्घम प्रति गृह्णामि। ये आप दे दीजिए भावस्तस्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।
इसमें ये किसी को दे दो वेटर को धो करके ला देगा। पैर पूछ लीजिए और जुराब पहन लीजिए। प्रहिडो मिस्माम योनि वै आज बनियम अरिष्टुष्माकं वीरापरा आज बनियम पात्रम आज बनियम प्रति ग्रहीयताम बोले आज बनियम प्रति ग्रहीयताम इनको दे दीजिए। आचमन का पात्र दिया आपने आचमन का पात्र दिया आचमनियम प्रतिग्रहीयताम आचमनियम प्रतिग्रहणामि ले लीजिएगा। बाएं हाथ में लीजिए सीधे हाथ में तीन बार थोड़ा थोड़ा जल लेकर के पी जाइए। आमा गण्य सजा सकूं सजा वर्षसा तस्मा गुरु प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम अर्जुन धनूनाम मधुपर्क प्रति ग्रह्यता मधुपर्कम प्रति गृह्णामि इनके हाथ में दे दीजिए। खोल के एक दफा दिखाइए फिर वापस ढक लीजिएगा। मित्र सत्वा चक्षु का प्रतीक्षे ओम देवस्वितुः। अब आपने इसको देखा आपने क्या देखा? इसके अंदर तीन चीजें हैं। इसमें दही है, शहद है और घी है। शहद और घी अगर मिल जाता है तो विष बन जाता है, लेकिन एक विशेष अनुपात से अगर इसको मिलाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। और ये अमृत आपको दिया जा रहा है, विशेष अतिथि को ही ये दिया जाता है। बारात में 200 आए, 500 आए, 1000 आए, किसी को ये नहीं मिला, ये केवल आपको मिल रहा है। और इसको अगर नित्य प्रति सेवन किया जाता है तो मनुष्य जो है उसको जीवन में कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसको जो है तीन बार जमीन पर थोड़ा छींटा दीजिए और तीन बार इसका जो है प्राशन कर लीजिएगा, सेवन कर लीजिएगा। आप मैरिज में नहीं बैठे, आप विवाह में बैठे। मैरिज में और विवाह में जमीन आसमान का अंतर है, सुन लेना आज के पढ़े लिखे लोगों। मैरिज मंत्रों से नहीं होती, मैरिज सिग्नेचर से होती है। और ये जो है विवाह माणिक ग्रहण संस्कार है। आपने कहा हे देवताओं ये जो मैंने प्रासंग किया है इससे मेरे वाणी में ओझ हो। एक आदमी बोलता तो है लेकिन प्रभावशाली नहीं बोलता, उसकी वाणी का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही नहीं है। नसोर में प्राणोस्तु मेरे श्वास बड़े हैं अर्थात मैं दीर्घायु पाई और अक्षोर में चक्षु रस मेरी आंखों की ज्योति बने, पंडित जी की तरह चश्मा ना लग जाए। सुनने की शक्ति बढ़े, भुजाओं में बल बढ़े और मेरे जितने भी अर्श हैं वो सब दूर हो जाए। गौदानम हाथ को शीघ्र चलाया गया विष्णु 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 नमः परमात्मने तत्सद्यमासानां मासोत्तमे मासे मा पौषमासे शुभे शुक्ले पक्षे द्वादश्यां तिथौ चंद्रवासरान्वितायां गोयल गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नामाहम्। बोलो अस्मिन् विवाहे मधुपर्क संबंधिनी गौमूल्यो कल्पित द्रव्यम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुम अहम उसृज्ये। छोड़ दीजिए
वधू को बुलवा लीजिएगा। अब पंडित जी जो है मंत्र बोल रहे हैं, जहाँ पर राम राम की ध्वनि आए वहाँ पर सबको राम राम की ध्वनि बोलनी है। सीय सवारी समाज बनाए मुदित मंडप ही चले प्रज्ञा वो इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता का वर्णन जो है गोस्वामी जी कह रहे हैं उसको करने में मैं समर्थ नहीं हूं। ऐसी जो है हमारी जानकी जी सीता जी थी, वैसे ही आज हमारे मध्य प्रज्ञा जी। सब उपमा कभी रहे जुठारी कहीं पट करो विदेह कुमारी सीता रूप राशि सब भांति पुनीता राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जोर से बोलिए, ध्यान से बोलिए, प्रसन्नता के साथ में बोलिए। आज सीता आज जो है राम लला का सजी प्रतिष्ठा हुआ है। ये चार वस्त्र हैं, अभिप्राय समझते जाइएगा। वैसे तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जब भी कभी अपने लिए कोई चीज लेकर के आओ, वस्त्र लेकर के आओ, मिठाई लेकर के आओ, कोई आभूषण लेकर के आओ, तो उस समय पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपसे पहले प्रज्ञा के लिए आपको लाना होगा। ये चार वस्त्र हैं, इनमें से एक वस्त्र निकालिए और प्रज्ञा के जो है उधर से हाथ डाल करके कंधे से साइड के कंधे से और घुटने के ऊपर रखे। जरांग परिदस्वासो भवा कृषिनाम अभिशिपावा सतंज जीव सरद सुवरचार पुत्रानम संभ्य स्वाय विस्मित एक उनके कंधे पर पीछे उस पल्ले पर, एक अपने घुटने पर। एक अपने कंधे पर। यस्यामा द्यावा पृथ्वी यस्येन्द्रा बृहस्पति यसो भगस्य मा विदध्यसो मा प्रतिपद्यताम मा। ये चार वस्त्र। अब आज का तो टाइम क्या आ गया, हमारी तरफ से आप जो है लहंगा खरीद लेना और आप ये कह देते हैं कि हमारी तरफ से आप अपना जामा खरीद लेना, यानी वस्त्र खरीद लेना। लेकिन शास्त्रीय विधान से यहाँ पर जो है दुल्हा और दुल्हन को छोटे छोटे हुआ करते थे, यहीं पर पर्दा डाल करके दोनों को स्नान करवाया जाता था और दोनों को यहाँ पर वस्त्र पहनाया जाता था। अब आप एक दूसरा एक दूसरे की तरफ देखिए। समंजन्तु विश्वे देवा समापोरिदयानिनो सम्मातरिस्वा संदाता समुदेष्टि।
राम को देख गए जब जनक नंदनी, बाग मिया खड़ी की खड़ी रह गई, बाग मिया खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सियार, सिया राम को चार अखियां, लड़ी की लड़ी रह गई। तुमको जी भय के मेरे मुझे हक है, बस यूं ही समंजंतु विश्वे देवा समापोर दिया निनो सम्मातरिश्वास संदाता समुदेश्चित दातुनो। अब जो गए पीले हाथ होंगे, पीले हाथ होंगे और हल्दी को जो गए वो चर्चित कर लीजिएगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे शाम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे शाम की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे शाम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे शाम की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे मेरे शाम की बना दो, मुझे मेरे शाम की दुल्हन बना दो। आओ 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 मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अब छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम। साहन के पति साहन, साहन के सच्चा, साहन के पति साहन, साहन के सिर चार, पूरा मलजी के प्रपोत्र है जिंदल इनका गोत्र, दुल्हा दुल्हन सुखी रहे, ओ दुल्हा दुल्हन सुखी सुखी रहे, सुखी रहे जी सुखी रहे, अरे सुखी रहे जी सुखी रहे, हाँ सुखी रहे जी सुखी रहे, ओ सुखी रहे वो सुखी रहे। दुल्हा दुल्हन सुखी रहे, दुल्हा
सुखी रहे हो दुल्हा दुल्हन सुखी रहे सागन के पति सागरी सागन के जरचा सागन के पति साजी साल के श्रीचा राम निरंजन जी की प्रपोत्री है गोयल इनका गो दुल्हा दुल्हन सुखी रहे हो दुल्हा दुल्हन सुखी रहे हाँ सुखी रहे जी सुखी रहे सुखी रहे जी सुखी रहे सुखी रहे जी सुखी रहे सागन के पति साग जी सागन के दर्शा सागन के पति साग जी सागन के दुल्हन सुखी रहे ओ दुल्हा दुल्हन सुखी रहे दुल्हन सुखी रहे दुल्हा दुल्हन सुखी रहे दुल्हा दुल्हन सुखी रहे सागन के पति साग जी सागन के सिर छा साल के सिर छत विकास जी की पुत्री है गोयल का गो दुल्हा दुल्हन सुखी रहे ओ दुल्हा दुल्हन सुखी रहे सुखी रहे सुखी रहे जी सुखी रहे सुखी रहे जी सुखी रहे सुखी रहे जी वहां पर चढ़ा दीजिएगा पहले स्वयं का मिलन परिवारों का मिलन और उसके बाद में गोत्र मिलन अब यहां पर मिलन हुआ है गोत्र का जिंदल और गोयल अब उसके बाद फिर मनों का मिलन और उसके बाद में फिर दुल्हा और दुल्हन का मिलन अब जो है यहां पर इधर से ज्योति मैं तुम्हें काम बताता अगर तुम यहां पर होती इधर आओ इस सेवरा बांधो अब कन्यादान का जो प्रमुख संकल्प है वो यहां पर होगा और कन्यादान के लिए पंडित जी शंख लीजिए अर्घा लीजिए और उसके अंदर आप जो है दक्षिणा रखेंगे और वो दक्षिणा इनके हाथ में आएगी ध्यान रखना इनके हाथ में आएगी ले लो पांच दान होते हैं विवाह के अंदर और पांच दानों के अंदर विकास जी पांच दानों में सबसे पहला अन्नदान और वो अन्नदान आपने कर दिया कल से लेकर के और अब तक छक छक कर आते गए खाते गए जाते गए लौटते गए लौट करके आते गए खाते गए जाते गए फिर लौटते गए दूसरा दिन होता है आते गए खाते गए फिर जाकर के अपना काम करने लग जाते हैं और फिर आते गए खाते हैं और फिर अपने अपने घरों को जाते हैं यानी अन्नदान आपने यहाँ पर भरपूर किया है नाना प्रकार के व्यंजनों से आपने जो है अपने मेहमानों का स्वागत किया तो ये तो एक तो हो गया अन्नदान दूसरा दान क्या होता है गौदान जो अभी आपने किया और एक होता है
स्वर्ण दान, जो अपनी बेटी के निमित्त, दामाद के निमित्त जो भी कुछ आपने स्वर्ण का दान किया है या करेंगे, वो जो है स्वर्ण दान हो गया। कितने दान हो गए? अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, कन्यादान और एक होता है भूमिदान। अब भूमिदान के निमित्त यहाँ पर जो भी हम टीका जिस समय पर करते हैं, जो भी पत्र पुष्प हमसे बनता है, वो हम उनको अर्पण करते हैं, वो जो है भूमिदान हो गया। तो बताओ कितने दान? पांच दान आपने कर दिए। बात तो कितनी सी है? कन्यादान की। संकल्प कीजिए। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम से विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे हरियाणा प्रांते सोनीपत जनपद नाम स्थाने कनक गार्डन नामाख्य नाम विवाह स्थले शुभ संबत अशत्योत्तर द्विसहस्राब्दे पंचचत्वारिंशत्यधिकैकोनविंशतिशालिवाने मासानां मासोत्तमे मासे पौषमासे शुभे शुक्ले पक्षे द्वादश्यां तिथौ चन्द्रवासरान् वितायां गोयल गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नामाहम् सपत्नी गोहम्। अब आप एक बात का ध्यान रखना, कन्यादान सामान्य दान नहीं है। आज इस समय पर कोयल गोत्र के हजारों पीढ़ियां या आसमान में आकर के जो है घूम रही हैं, फूल बरसा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि आज हमारा वंशज विकास नाम का बच्चा आज जो है कन्यादान कर रहा है। इतना बड़ा पुण्य जो है इसके अंदर प्राप्त होता है। दशा परान 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी आने वाली और एक स्वयं की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है इस विवाह से, एक कन्यादान से। तो कितने कुलों का उद्धार हो गया? तो बोलिए मम समस्त पितृणाम आत्मानंज निरति सहसानंद ब्रह्मलोक वाप्त्यादि सत्फल प्राप्तये। ब्रह्मलोक, हाँ जी, ब्रह्मलोक वाप्त्यादि सत्फल प्राप्तये। जिंदल गोत्रस्य भूरामल जी गुप्तस्य प्रपोत्राय जिंदल गोत्रस्य श्री प्रहलाद साय जी गुप्तस्य पोत्राय जिंदल गोत्रस्य श्री शंभुदयाल जी गुप्तस्य पुत्राय गोयल गोत्रस्य श्री राम निरंजन जी गुप्तस्य प्रपोत्रीम गोयल गोत्रस्य श्री श्याम सुंदर जी गुप्तस्य पोत्रीम गोयल गोत्रस्य अपना नाम ले लीजिए गुप्तस्य पुत्रीम। ये जो है तीन पीढ़ियां इसलिए बोली जाती हैं, जब भी कभी हम संबंध करने जाते हैं, देखिए कितना जो है सुंदर सुयोग बना है। बच्चों ने पसंद किया, माता पिता को जो है इसमें कष्ट नहीं दिया, लेकिन इतने मर्यादित, इतने संस्कारी, एक तो जो है अपने अग्रवालों में ही पसंद किया गया। अग्रवाल का बच्चा अग्रवाल की बच्ची को पसंद किया। दूसरे नंबर पर प्रांत का भी विभाग नहीं, वो भी राजस्थान के और वो भी
राजस्थान के, लेकिन इतने ज्यादा खुश मत होना, मैं भी राजस्थान का। तो यहां ये मेल परमात्मा मिलाता और ये कहते हैं जन्म मरण और परण, ये परमात्मा पहले से जो है निश्चित कर देता है। तो वो आज संयोग आपको मिला है और अब आप बोलिए जिंदल यहां पर रख। बस बोलिएगा जिंदल गोत्रस्य श्री सचिन गुप्ता नामने वराया गोयल गोत्र उत्पन्नीम वरार्थिनीम श्री रूपिणीम यथाशक्ति अलंकृताम प्रज्ञा नामनीम कन्याम पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। सचिन हाथ बढ़ाओ आगे और कन्या का हाथ, कन्या का अंगूठा और ये जल सचिन के हाथ में। अरे तुम ही पकड़ लोगे क्या, हम पकड़ाएंगे। बहुत जल्दी मच रही है यार। और हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और ये जल जो है ना इनके हाथ में डाल दो। देखो लहंगे के ऊपर ना डाले। देख ये हाथ पीछे सिक्कों पर रखे 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 रखे। बोलो ओम देवस्ताद दादो पृथ्वीता प्रतिगन्नादो। बात छोड़ दो। आज आप दान क्या कन्या दान का दान दान हुए लाखों और दानी भी होते हैं। दान हुए लाखों और दानी भी होते हैं। कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा। जिन कन्या कीजिएगा। आप अग्नि स्थापन करो पंडित जी। गठबंधन काय में करोगे, लहंगे की चुन्नी में करोगे या चुंदरी उड़ाओगे। सीता का राम को दिया हाथ, सीता का राम को दिया जनक राज देंगे और का जी। हाथ सीता का राम को दिया जनक राज देंगे और का। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, वो बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा दिल का टुकड़ा। बेटी
सारे घर के इन कन्या का जिसने दिया दान, कन्या का जिसने दिया ओ मैया रानी देखी और जा बेटी बाबुल के दिल का जब कन्यादान लेते गए तो एक कन्या का दान, अगर आप स्वर्ण दान लेते हो उसका भी इतना भार नहीं होता, धरती का दान लेते हो उसका भी इतना बड़ा भार नहीं होता, लेकिन कन्यादान का बहुत बड़ा भारी भार होता है। और वो भार कब उतरता है? जब कन्यादान करते हैं। अगर कन्या अपने ना हो, भाई की कन्या का करो, पड़ोसी की कन्या का करो, किसी गरीब की कन्या का करो, किसी ब्राह्मण की कन्या का करो, लेकिन कन्यादान जीवन के अंदर जरूर करो जिनके कन्या नहीं है, तो ये भार होता है। तो उसके निमित्त एक गौदान होता है। गौ तो इतने में भी नहीं आती जितने में पूरी शादी हो जाती है, इसलिए उसके निमित्त संकल्पित दान जो है अपन कर रहे हैं। बोले कन्या प्रतिग्रह जन्य दोष परिहार अर्थम गौ मूल्योप कल्पित द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुं अहम उत्सृज्य। काश लगा दे भैया, काश लगा दे, काश लगा दे। बोलो को अदा को अदा कस्मा अदा कामो अदा कामो दाता काम प्रतिग्रहिता कामई तत्ते। कौन किसको देने वाला है? अगर आप ये सोचते हो कि मैं दे रहा हूं और आप ये सोचते हो कि मैं ले रहा हूं, तो को अदात कामो अदात सब कुछ देते हैं तो अपनी कामना से देते हैं। कामना क्या? आपको अपना गृहस्थ धर्म निभाना है, इसलिए आप जो है कन्या का दान ले रहे हैं। उन्होंने कन्या दान करनी है, ये उनका धर्म है, इसलिए वो अपने धर्म के कारण से कर रहे हैं। आप अपने कर्म के कारण से दे रहे हो और ले रहे हो, इसके अंदर कोई किसी का एहसान नहीं है। विवाह है योजक नाम आग्नि वैश्वान राग्ने नमः। कपूर डाल दिया उसमें, दो दो बूंदे जो है ना, इधर लाओ आपका, वही है ना, हाँ वही रखो। ओम विवाहे योजक नामाग्नि वैश्वान रागने नमः। संविदा ठीक से लगा बेटा, ठीक से लगा। ओम
आड़ी और लगा दे। हाँ जी, घी की आहुतियां दोगे और उसके बाद में एक बूंद इसको पेन की तरह पकड़िए। हाँ, और थोड़ा सा पीछे से बस, और उसमें आहुति दे करके एक बूंद उस दोने के अंदर आप छोड़ेंगे जिसमें जल है। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। छोड़ो स्वाहा के साथ छोड़ दिया करो। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। विवाहे योजक नामाग्निं वैश्वानराग्नये नमः। अग्नि की पूजन करवा दीजिएगा। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूस्वाहा। बस ये नीचे रख दो। भूस्वाहा, इदम अग्ने। अब इसको अग्नि तो हो ही गई, अब गर्म कर लो उसको। ओम भूस्वाहा, इदम अग्ने। ओम, हाँ बस उसी में से लेकर के छोड़ते रहो। भूस्वाहा, उसी में से लेकर उसमें छोड़ते रहो। भूस्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम स्वस्वाहा, इदम भूस्वाहा, इदम वायवे नमः। स्वस्वाहा, इदम सूर्याय नमः। तन्नो अग्ने परुण च विद्वान् देवसे हेडो व्यासिष्ठा ज्येष्ठो वनितमः सो सुजानो विश्वास देखा भूसि प्रमो मुग्ध स्मत् स्वाहा, इदम अग्नि वर्णाभ्याम नमः। ओम आ सत्तन्नो अग्ने वमो भवोति ने दुष्टो अस्याउगसो पिष्टो अवेक्षणो भीहिमृणी ककुंसो ने दिस्वाहा, इदम अग्नि वर्णाभ्याम नमः। अया चाग्ने छनवि सन्दिपाज उत्पमद्व्यासि अयानो अग्निम वहासे आनो देहि भेगजगु स्वाहा, इदम अग्ने से नमः। ओम जेते सदम वरुण जे सहस्रम जग्नियाः पाशाभित्ता महान्तः ते भिर्नो अद्य सवितो दुर्विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मर्तः स्वर्गाः स्वाहा। ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदमाविन्दुकुमुदताय अथा वयमादित प्रदेतवा नागसोदिते श्याम स्वाहा। जल का छिटा दीजिएगा। यदा सज्ज प्रहाराणाम कवचं भवति वारणम तद्वद्योपघातानां शान्तिर्भवति वारणम। शान्तिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु, अभिघ्नमस्तु। ओम ऋताकारितधामाग्निर्गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मक्षतं वा तस्मै स्वाहा वाटो। ओम ऋताकारितधामाग्निर्गन्धर्वतस्योगदयोगसर्वसोमुदो नामदाभ्य स्वाहा, इदं नमः। सकुंगितो विश्वजामा सूर्यो गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मकृतं वा तस्मै स्वाहा, इदं सूर्याय गन्धर्वाय नमः। सकुंगितो विश्वजामा सूर्यो गन्धर्वतमरिचयो अप्सरसो वायुनो नामदाभ्य स्वाहा, इदं मरिचयो नमः। ओम सुगुम्ना सूर्यस्मि चन्द्रमा गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मकृतं वा तस्मै स्वाहा, वाटो इदं चंद्रमसे गंधर्वाय नमः। सुगुम्न सूर्यस्मि चंद्रमा गंधर्वस्य नक्षत्रन्यस्य भेगुरयो नामदाभ्य स्वाहा, इदं नक्षत्रेभ्यो नमः। ओम इकिरोऽपि सुवृद्धावादो गंधर्वः सन इदं ब्रह्मकृतं वा तस्मै स्वाहा, वाटो इदं। ओम इकिरो विश्ववृद्धावादो गन्धर्वस्यापो अप्सरसौर्यो नामदाभ्य स्वाहा, इदम् ऊर्गभ्यस्य नमः। ओम भुञ्जु सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मकृतं वा तस्मै स्वाहा, भुञ्जु सुपर्णाय गन्धर्वाय यज्ञाय गन्धर्वाय च नमः। ओम भुञ्जु सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्य दक्षिणा अप्सरसस्य नमः नामदाभ्य स्वाहा, इदम् इदं नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वः सन इदं ब्रह्मकृतं वा तस्मै स्वाहा, वाट इदं प्रजापतये च नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वस्य ऋक्सामान्यप्सरदेवगुणां दाभ्य स्वाहा, इदं नमः। थोड़ी सी आहुति अब जल्दी है। ओम चित्तं च स्वाहा, इदं चित्ताय। ओम चित्तस्य स्वाहा, इदं चित्तै। आगुतं च स्वाहा, इदं आगुताय। आगुतस्य स्वाहा, इदं आगुत्यै। ओम विज्ञातं च स्वाहा, इदं विज्ञाताय। विज्ञातस्य स्वाहा, इदं विज्ञात्यै। मनस्य स्वाहा, इदं मनसे। सक्वरिस्य स्वाहा, इदं सक्वरिभ्य। दर्शन च स्वाहा, इदं
ओम प्रियज स्वाहा इदं प्रियदे ओम रतंतर स्वाहा इदं रतंतराय प्रजापतिर्जयानिंद्राय विष्णे प्रायच्छदुग्रह प्रतनाजय कूतस्मै विशः समनवंत सर्वास उग्रह सह अप्याबभूव स्वाहा इदं प्रजापते नमः। हाँ जी वो है क्या मामा जी, है क्या सो गए को गए? कोई बात नहीं भांजे, मतलब कोई बात नहीं, आप आओ जी आ गया, ये शुरुआत ले लो बेटा, शुरुआत दे दो उनको, ये आउ अग्नि वाला, अग्नि वाला, अग्नि वाला आउट ही डालने वाला, बस यहाँ आ जाओ। देखिए ये जो है यहां से ननिहाल पक्ष से ये आप लीजिएगा, और अग्नि से बस तीन बार हो गया बस। अब आप बिराजो, ये क्या हुआ पंडित जी? माँ के तो कदे मामा जी ने कोई बुलाया ही को नहीं, बुलाव है? हाँ बुलाव है, मैं हूं मारवाड़ी। हाँ ठीक है, चलो मोड़ लग गई। अब जो है ये कन्या एक ही वंश की नहीं है, कोई आदमी ये कहे कि ये जो है गोयल वंश की ही है, नहीं, गोयल के पिताजी और मित्तल के नाना जी दोनों गोत्रों से, तो इधर से तो आशीर्वाद आप दे रहे हो, तो उधर से भी एक आदमी आकर के जब आशीर्वाद दे देगा तब विवाह पक्का माना जाएगा। तो इसको कहते हैं मामा सेवरा। हाँ जी मामा सेवरा, मामा ने भी जो है वर्णक करवा दिया, यानी कन्यादान कर दिया। ओम अब जो है आप आउती दो। ओम अग्निर्भूतानाम अधिपति हे समावत अस्मिन् परमेश्वरस्मिन् कर्तरे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवोद्यागु स्वाहा इदम् अग्नेन मम इन्द्रो ज्येष्ठानाम अधिपति हे समावत अस्मिन् परमेश्वरस्मिन् कर्तरे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवोद्यागु स्वाहा। ओम यमः प्रतिव्याधिपतिः समावत अस्मिन् परमेश्वरस्मिन् कर्तरे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् देवोद्यागु स्वाहा। यदा सस्य प्रहराणां कवचं भवति वारणं तद्योपघातानां शान्तिर्भवति वारणम्। ओम वायुं दक्षिणाधिपतिः समावतोऽस्मि ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। ओम सूर्यो दिवा अधिपतिः समावतोऽस्मि ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। ओम चंद्रमा नक्षत्राणामाधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। इदं चंद्रमा नक्षत्राणामाधिपतये नमः। ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। इदं बृहस्पतये नमः। ओम मित्रः सत्यानामाधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। इदमधिपतये नमः। ओम वरुणो अमापामधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। ओम अपामधिपते च नमः। ओम समुद्यः श्रोत्यानामधिपते समावतोऽस्मिन् श्याम देवभूत्यागु स्वाहा। इदं नमः। ओम अन्नाघु साम्राज्यानामधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। ओम सोम ओगधीनामधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। ओम सविता प्रस्वानामधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। इदं नमः। रुद्रः पशूनामधिपतिः समावतोऽस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रे श्यामाश्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मश्याम देवभूत्यागु स्वाहा। इदं रुद्राय पशुपता पशूनामधिपतेः नमः। ओम जलगच्छ
यदा सस्य प्रहरणां कवचं भवति वारणं तद्गादानां सान्तिर्भवति वारणां ॐ त्वष्टा रूपाणामधिपतिः समा वत्वस्मिन् पर्ण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामा श्याम पुरोधायामस्मिन् कर्णं श्याम देव उद्यागु स्वाहा ॐ विष्णुः पर्वतानामधिपतिः समा वत्वस्मिन् पर्ण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामा श्याम पुरोधायामस्मिन् कर्णं श्याम देव उद्यागु स्वाहा ओम मरुतो गणानामधिपते समा वत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामा श्याम पुरोधायामस्मिन् कर्णं श्याम देव उद्यागु स्वाहा ओम पितरः पितामहाः परे परे सदास्तदा मा इदमा वत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामा श्याम पुरोधायामस्मिन् कर्णं श्याम देव उद्यागु स्वाहा यथा सस्य प्रहराणां कवचं भवति वारणं तद्दत्योपघातानां शान्तिर्भवति वारणं शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु ओम अग्निरैः सुप्रथमो देवतानाग्नो शोषे प्रजा मुञ्चन्तु प्रत्युपासा ततयघु राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयः श्रीपौत्रमघवन् रोदा स्वाहा इदमग्ने ओम इमामग्निस्रायतां गारभद्यः प्रजामसी नयतु दीर्घमायु असुन्योपस्था जीवता मास्तु माता पौत्र आन्मानन्दमपि बुद्धिताम यघु स्वाहा ओम स्वस्ति नोऽग्ने दिवा प्रतिप्यादि विश्वानि देहि यजता जतत्रय स्मासवितुं देहि चित्रकु स्वाहा ओम सुगन्न बन्दाम प्रतिसन्न एहि ज्योतिष्मतिर्दे देह जदरन्न आयु उपैतु अपैतु मृत्युमागादैव स्वदोनोभयं कृणोतु स्वाहा अन्तःपटः अन्तःपट कहाँ पे लो जी एक तरफ से आप पकड़ लो एक तरफ से विकास जी पकड़ लेंगे खोल लो इसको देखो बेटा ये आउती प्रज्ञा प्रज्ञा बहुत अच्छी बच्ची है थोड़ी सी देर की बात रह गई है अब जो है ना थोड़ा सा ध्यान से जो है सुनो और देखो और काम को करो ओम परम मृत्यु अनुभव परे ही स्वाहा औदी देव अरे नहीं उधर देखना नहीं है और पर्दा आंखों के सामने पर्दा करो स्वाहा घी औदी हाँ हटा लो पर्दा जल का छीटा दे दो यथा सस्य प्रहरणां कवचं भवति वारणं तद्योपघातानां शान्तिर्भवति वारणं शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अभिघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु अब जितनी भी आहुतियां हैं ये हमने ओपनली दी लेकिन एक आहुति है जिसके अंदर हमने पर्दा किया व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द पर्दा पर्दा क्यों उसकी परिभाषा क्या है ये क्यों किया गया जितने भी देवता हैं वो आहुति लेते गए और लेकर के जाते क्या प्रमाण जैसे हाथी को बस में करने के लिए एक अंकुश की जरूरत होती है अंकुश चुभाया खींचा हाथी रुक गया उसी तरह से देवताओं को बस में करने के लिए वेद के मंत्र होते हैं और ये वेद के मंत्र विद्वान ब्राह्मणों के मुंह से ही उच्चारित हो सकते हैं तो यहां पर उन देवताओं को आना पड़ता है और जो पर्दा हमने किया वो देवता कौन सा था जिसको कि हम देखना ही नहीं चाहते थे वो थी मृत्यु देवता मृत्यु देवता आया और उसको हमने आहुति दी वो आहुति लेकर के चले गए उनकी दृष्टि वर और वधु के ऊपर ना पड़े इसलिए हमने जो है यहां पर ये पर्दा किया पर्दे का और भी अभिप्राय है ध्यान से दे लें ध्यान दे लेना सभी पर्दे में रहने दो ना उठाओ क्या मतलब इस पर्दे का अभिप्राय है कि आपके घर के बीच में आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तो वाद विवाद हो सकता है और होना भी चाहिए तभी तो उसका समाधान होगा तो वाद विवाद हो
तो उस वाद विवाद को प्रतिवाद में मत पलट देना, अपवाद में मत पलट देना। वाद हो विवाद हो फिर उसको समझो क्या है, हम गलती कहां कर रहे हैं। लेकिन एक तो होता है ईगो, लड़की भी पढ़ी हुई है लड़का भी पढ़ा हुआ है, वो भी कमाती है वो भी कमाता है, तो अब जो है दोनों में ईगो होना स्वाभाविक बात है। लेकिन जहां होता है ईगो हस्बैंड एंड वाइफ में, पति और पत्नी के बीच में, तो वहां पर परमात्मा कहते हैं ईगो, मैं जा रहा हूं अब तुम संभालो अपना काम। तो यहां पर कभी भी ईगो मत करना, आपस में झगड़ना नहीं। और अगर झगड़ो तो पर्दे में रहने दो, उसको केवल आप दोनों जाने, ना इधर की मम्मी और ना उधर की मम्मी, ना इधर के पापा और ना उधर के पापा। कारण क्या है, बात को बढ़ाओगे यहां से वहां पहुंचेगी, वहां से फिर वहां आएगी, मेरी बेटी को ऐसे कैसे कह दिया, तो वो कहेंगे कि भाई हमारी बहू है, है? हमें अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है, हमने लड़के को दिए तुम्हें थोड़ी थोड़ी। तो ये जो बातें होती हैं ये घर बिगाड़ने वाली बातें होती हैं। और आज सबसे घर बिगाड़ू, हेलो, जो मोबाइल है ये सबसे ज्यादा घर बिगाड़ू। तो यहां पर कुछ भी है वहां पर कुशलता लेने के लिए फोन करो, कुशल क्षेम पूछने के लिए फोन करो। लेकिन आज ये नहीं है कि आज मुझे छींक आई या नहीं आई, आज सब्जी क्या बनी थी, मम्मी ने ये कह दिया था, पापा ने ये कह दिया था, वो लड़कियां अपना घर नहीं बसा सकती, ध्यान देना। और जितनी भी लड़कियां हैं समझ लो, बहुतों को तो मैंने शादियों में समझाया है, बाकी सुनकर के समझ लो। तो ये पर्दा इसलिए है कि अपने पर्दे की बात पर्दे, पड़ोसी के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, ये बात थोड़ी थोड़ी डालना बेटा स्वाहा। ओ फिर दोबारा यम नारी उपब्रूते लाजा नाव बंदिका आयुष्मान सुते पति रेतन ताम ज्ञाति ओम स्वाहा। ओम इमाम लाजा नापमा मग्रो स्मृति करणम दवा मम तुभ्यम च संबननम तदग्निम तामि यज्ञ स्वाहा। अब अंगूठा जो है तीन अवधि होगी ना, अंगूठा पकड़ी है इनका, सीधे हाथ का अंगूठा पकड़ी है। हाथों में ले गए पिया जी के दुल्हन ससुरों में, हाथों में ले गए पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल जी, ओ दुल्हन ससुराल जी परन लाले अपनी अपनी जगह पे। बने जी उसको ले लो जी जो आदमी दिया था, और फिर अब दोबारा आऊंगी वैसे ही खेल की आऊंगी। करो अंजलि, करो अंजलि, करो कन्या अग्निमय अक्षर सहनो अरिमा देव प्रेत हो मुच्च तुमा प्रदेश। अंजलि कर लो, अरिमणम देवम कन्या अग्निमय अक्षर सहनो अरिमा देव प्रेत हो मुच्च तुमा प्रदेश स्वाहा। ओम इम नारी उपमृते लाजा नौ मंदिका आयुष्मान सुमय पति रे दंतां ज्ञाति ओम स्वाहा। इमाम लाजाना पामग्नो समृद्धि करणम तवमम तुभ्यम च सम्मननम तदग्निमन्यविन्दन्ता मे यज्ञ स्वाहा। सांगुष्ठ पहले जैसे लिया
और वैसे ही घूम करके आना। हाँ घूम जा बेटा, घूम जा। अरे राघव के संग सबको और वैसे ही ये, अरे इस तरह से मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो, हाथ मिलाते हैं जैसे। हाँ अब बिना उसी के ऊपर पैर रख करके एक दफा और हेल्प कर देना भाई, दो दफा और हेल्प करना है। आ जाओ आ जाओ। अरे आगे आगे दूर, आगे आगे दूर दूल्हा पाछे पीछे, आगे आगे दूर दूल्हा पीछे पीछे, आगे आगे दूर दूल्हा पीछे पीछे, ओ आगे आगे दूर दूल्हा पीछे पीछे, अपनी अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठ जाइए। तो अब यहां इधर हो जाने चाहिए। वो अब फेरे हो जाएंगे अब बढ़िया। हाँ जी, तो लड़की यहां पर ये कह रही है कि हे पिताजी, आपने ये सोच लिया है कि विवाह हो गया, क्योंकि बारात आई, डेस्टिनेशन शादी हुई, दो दिन यहां पर रुके, आनंद से खाए पिए, मौज उड़ाए, नाचे कूदे, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया इससे विवाह हो गया, तो ये जो है आपकी भूल है, इससे विवाह नहीं हुआ। मंडपम मधुपर्कंच, और मधुपर्क दे करके दही वगैरह जो हमने वर का पूजन किया, उससे अगर आपने ये सोच लिया कि इससे विवाह हो गया, तो ये भी आपकी भूल है, इससे विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो बेटा और क्या करना था, खील की आहुति भी तो लगी, तो उन्होंने कहा लाजा होम परिक्रमा, लाजा होम भी हो गया और परिक्रमा भी हो गई, लेकिन इसके उपरांत भी विवाह नहीं हुआ। तो भाई विवाह कब होगा, परिक्रमा भी हो गई, फेरे भी पड़ गए, दुनिया के पड़े चार, आपके पड़े सात, तीन फेरे बाहर के, मामा फेरे, और जो है
चार फेरे यहाँ के, लेकिन इसके उपरांत भी विवाह नहीं हुआ। लड़की मालूम है क्या कह रही है कि यावत कन्या न मांगे तावत कन्या कुमारी का, जब तक कन्या वर के दाएं अंग से और बाएं अंग को नहीं आ जाती तब तक उसकी कुमारी संज्ञा रहती है। और वो लड़का कहने लगा, सचिन कहने लगा, इसमें क्या बात है, बाएं बहनना तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ना कोई सखा मित्र त्यागे, मैंने तो घर भी त्यागा है, सखी सहेलियां रिश्तेदार मैं सबको छोड़ करके आ रही हूं, तो जो भी कुछ त्याग किया है वो मैंने किया है, आपने कोई त्याग नहीं किया है, आपने कोई त्याग नहीं किया। तब यहां पर जो है कन्या कहती है कि मेरे सात वचन हैं, और वो सात वचन अगर आप मुझे दें तो मैं आपके बाएं गाने को तैयार हूं। मैरिज इज द की स्टोन सेरेमनी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द मोस्ट होली सेवन स्टेप्स ब्राइड एंड ग्रूम्स विद सेवन एवरलास्टिंग। क्या कह गए पंडित जी, आप तो अंग्रेजी पढ़े हुए हो, जानते होगे, समझ गए होगे, ब्राइड एंड ग्रूम्स विद सेवन एवरलास्टिंग, यानी ये सात कदम चलना ये जीवन की आधारशिला है। मकान बना लो 50 मंजिली, लेकिन फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत मकान होगा। तो यहां पर वो पहला वचन मांग रही है तिवारी जी के शब्दों में, तीर्थ व्रतो द्यापन चला जाऊं है? बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मैं, गला मेरा फट रहा है और बेटा देख रहा है उधर, है? लड़की क्या कह रही है, कन्या क्या कह रही है, प्रज्ञा क्या कह रही है, इसको चाहे रिकॉर्ड कर लो और चाहे समझ लो। वचन में कह रही है कि तीर्थ व्रत उद्यापन में तो साथ में लोगे ही लोगे, लेकिन एक जो है आपको प्रतिज्ञा जरूर लेनी होगी, क्या कि हवन करके और देवताओं को प्रसन्न करें। एक बात बता दूं, आज जो अन्न खा रहे हो ये तुम्हारा साइंस नहीं दे रहा है, वैज्ञानिक नहीं दे रहे, चाहे सात मंगलों में चले जाएं या सात चंद्रमाओं में चले जाएं, रोटी तो जमीन ही देगी, लेकिन जमीन रोटी कब देगी, जब जमीन पर बरसात होगी, और बरसात कब होगी, जब बादल बनेंगे, और बादल कब बनेंगे, जब यज्ञ होगा। तो यहां पर ये कह रही है कि क्या है हव्य प्रदान रमरान पितृश, हवन आदि करके देवताओं को प्रसन्न करें, और तर्पण और श्राद्ध करके पितृश्वरों को प्रसन्न करें। संसार में जितनी भी जो वंश वृद्धि होती है ये पितरों की कृपा से होती है। ये कहते हैं ना आज के पढ़े लिखे कि अब तो श्राद्ध आ गए, जब जिंदों को तो दिया नहीं, मरों को देने से क्या फायदा है। तो
हवन करके देवताओं को प्रसन्न करें और श्राद्ध करके पितृश्वरों को प्रसन्न करें। अगर आप ये कर सकते हो और ये करने की अनुमति ये जो प्रतिज्ञा लेते हो तो मैं आपके पाए गाने को तैयार हूँ। बोलिए तथास्तु। कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम कुरिया वसूला परिपालनं च जितने कैंडिडेट हैं लाला जी बाजो ही बात अटे रहे छू कि कोई सोवे ना। कुटुंब रक्षा भरने यदि तुम यदि पूरे कुटुंब की रक्षा भरण और पोषण कर सको। जो आजकल की लड़कियां कह देती है ना हमारा क्या लेना देना उनसे, वो जाने उनका काम जाने, हम तो जो है ना अपने दोनों मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। पूरे कुटुंब की रक्षा करना भरण पोषण करना ये तुम्हारा काम होगा, केवल तुम्हारा। वो बात अलग है कि उसके अंदर औरों का भी जो है सहयोग मिल रहा है तो बात अलग है, लेकिन इतने जो है उत्तरदायित्व तो आप जो है ले लें कि उनके कुटुंब की रक्षा भरण पोषण आया गया मेहमान रिश्तेदार बहन बेटी उन सब का उत्तरदायित्व तो अगर आप ले लें। और ये बात जो है प्रज्ञा मांग रही है, ध्यान रखना प्रज्ञा ये तुम मांग रही हो, इसके विपरीत कभी मत जाना। तो यहाँ पर ये अगर वचन आप लेते हो तो मैं पाएंगे आने को तैयार हूँ। बोलिए तथास्तु। तथास्तु चतुर्थ कमाया लाख दो लाख करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ मैं नहीं पूछूंगी और ना ही मेरा पूछने का अधिकार है। आज से पहले क्या कमाया और क्या आपने खर्च कर दिया ये भी पूछने का अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन आज के बाद आपकी आमद क्या है और आपका खर्च क्या है। क्योंकि आमद खर्च अगर हमें जानकारी नहीं मिलेगी तो कमाने का अधिकारी पुरुष और घर चलाने की अधिकारिणी गृहिणी गृह लक्ष्मी अगर उनको पता ही नहीं होगा तो वो जो है कैसे घर चलाएगी। आप कमाते हो लाखों और वो सोच रही है क्या पता क्या मिलता होगा। अब घर के अंदर जो है ना वो हाथ भींच भींच के चले वो भी ठीक नहीं, और आप कमाते नहीं कुछ भी और वो जो है ना खर्च करती जाएगी जाने कितना कमाते तो फिर बर्बाद कौन होंगे आप ही। इसलिए आपकी आय क्या है और व्यय क्या है और फिर दोनों बैठ करके बजट बनाओ कि हमारे घर को हम कैसे चलाना है, इतना खर्चा यहाँ आ गया तो हम इसको कैसे मेंटेन करें। तो ये अगर आप वचन देते हो तो मैं आपके बाएं गाने को तैयार हूँ। बोलिए तथास्तु। देवालयानाम तड़ाग कूप लेकिन कमाने के बाद भी अगर भगवान की कृपा से ऐसा है कि खूब खर्च भी कर लिया और फिर भी धन खर्च नहीं होता धन अगर खर्च नहीं होता तो फिर क्या करेंगे।
और धन बसता है तो क्या करेंगे? आवाज कम करो, नहीं बुलंद, वैसे भी नाम सच्चिदानंद। तो यहाँ पे अगर ईश्वर देता है, खूब खर्च भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर धन बसता है तो उसका क्या करोगे? देखिए धन के चार भाग, धन के चार भाग, एक धर्म के लिए 25% धर्म के लिए, 25% परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारियों के लिए, 25% अपने लिए, कुटुंब के लिए, और 25% भविष्य के लिए, भविष्य निधि के रूप में। तो फिर भी जो बसता चला गया, पहले महाजन सेठ लोग जो है वो निकाला करते थे धर्मादा, पंडित जी ये नहीं होनी चाहिए, ध्यान इधर ही होना चाहिए, वरना यहाँ पर जो है ना ये कान खा जाएंगे इधर जो है। तो उसका आप क्या करेंगे? खूब बचेगा तो उसका कभी भी आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। देखिए एक बात बताऊं, आज अंबानी है, अगर चला गया तो साल, दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, पचास साल के बाद उसको कोई भी याद नहीं करेगा। अडानी है, चला गया, कोई भी याद नहीं करेगा। लेकिन बिरला है तो उसके नाम से नतमस्तक हो जाएगा। कारण, उन्होंने अपनी कमाई धर्म में लगाई, मंदिर, धर्मशाला, जाने क्या क्या। तो आपके पास भी अगर बचे तो उसको सदुपयोग में लेना। ये नहीं है कि आज जो है ना घूमने के लिए फला चले गए, आज फला चले गए, आज 5 लाख खर्च कर आए, आज 10 लाख खर्च कर आए। लिमिट में खर्च करो जो आवश्यक है। कमाने का मतलब ये नहीं है कि वो खर्च करने के लिए, उस पर आपका अकेले का अधिकार नहीं है। ये चार अधिकार मैंने आपको बता दिए। तो उसमें बचे तो उसको धार्मिक रूप से खर्च करो, जिससे कि ये पता चले ये चीज फलाने बनाई। बहुत कुछ है, धर्मशाला बनाओ, और भी कुछ है, मंदिर बनाओ, उतना नहीं है कोई प्याऊ लगा दो, उतना भी नहीं है तो कुछ भी दान करो, लेकिन उससे जो है आपके पूर्वजों का नाम होता है। चलो जी पंडित। देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा निष्ठा ये गए कमाई के लिए। देश में रहकर के कमाई हो तब तक कभी भी विदेश जाने का विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? विदेश में धर्म नहीं है, ना खाने का धर्म, ना पहनने का धर्म, ना चलने का धर्म, ना बोलने का धर्म, केवल पैसा ही पैसा है। इसलिए अगर देश में रहते हुए कमाई होती है तो देश में रहकर के कमाई करो, और अगर देश में रहकर के कमाई नहीं होती है तो फिर परदेश जाने का विचार करो। लेकिन कहां जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, रहने का इंतजाम क्या है, और वापस लौट करके कब आओगे? अगर इतनी जानकारी आपको घर पे देनी होगी, अगर आपको ये वचन मान्य है तो मैं पाए आने को तैयार हूँ। बोलिए तथास्तु। न सेवनिया पर कामनिया, न राग द्रष्टा च विलोकनिया, मांग मायामि तदात्तरियम्, रुदे वच सप्तमत्र कन्या। आपने स्वीकार किया किसके सामने? प्रज्ञा को आपने किसके सामने स्वीकार किया? अग्नि देवता और समस्त देवता जो वहां पर विराजमान थे, और उसके बाद ब्राह्मण देवता, और उसके बाद में हमारी बिरादरी, जाति वाले। बरातियों की जरूरत नहीं होती थी,
लेकिन वो गवाह होते थे, हम गए थे शादी में, वरना तो कोई कभी भी मना कर दे। तो इसलिए ये सब जो हैं हमारे साक्षी हैं, इनके सामने आपने स्वीकार किया। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो, आपने किस रूप में स्वीकार किया? दो तीन शब्द बोलता हूं। वाइफ, गृहलक्ष्मी, पत्नी, गृहिणी, भारिया, वधू, किस रूप में स्वीकार किया? पत्नी, धर्म पत्नी, पत्नी के साथ में धर्म शब्द लगता है, नॉट वाइफ, अंडरस्टैंड? वाइफ के लिए, वाइफ नहीं, वाइफ के रूप में नहीं स्वीकार किया। वाइफ जो है ये शब्द हमारे लिए मर्यादित नहीं है, हस्बैंड शब्द मर्यादित नहीं है, हस्बैंड और वाइफ शब्द हमारे संस्कार में नहीं आता, ये केवल एग्रीमेंट मैरिज में होता है, ठीक है। दूसरे नंबर, आपने इनको स्वीकार किया गृहिणी के रूप में, गृह लक्ष्मी के रूप में, धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो अब आपका कर्तव्य बन जाता है संसार में जितनी भी स्त्री जाति है, अगर हम 140 करोड़ हैं तो 70 करोड़ तो स्त्री जाति होगी ही होगी, तो जितनी भी स्त्री जाति है जो आपसी बड़ी है, साल, दो साल, पांच साल, दस साल, पचास साल जो बड़ी हैं, उनको माता के समान पूजा करेंगे या इज्जत देंगे, ओके। और जो समान है उनको बहन के समान दर्जा देंगे, और जो छोटी हैं, अब आप समझ गए होंगे उनके साथ में क्या संबंध रखना है, पुत्रीवत उनके साथ में जो है आपको संबंध रखना है। अगर ये आप मुझे वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं गाने को तैयार हूं। बोलिए तथास्तु, जोर से बोलिए तथास्तु। ताली नहीं। अच्छा अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सचिन बाबू, पंडित जी एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी खुशी की बात है, मैंने 100 करोड़ रुपए की शादी करवाई है, मारवाड़ियों में ही करवाई है, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और मैंने वो शादियां भी करवाई हैं जो लाख दो लाख में हो जाती है, आधा करोड़ चौथाई करोड़ में हो जाती है, वो शादियां भी करवाई हैं, लेकिन एक ये शादी है जिसमें आज तक अरबपति और खरबपतियों ने मुझे वो नहीं दिया जो इस शादी के अंदर मुझे प्राप्त हुआ। खुद के कपड़े कितने के भी बने होंगे, पंडित जी के कपड़े 20,000 के बने, तालियां। पंडित जी के कपड़े आपने देखा होगा ना, कल से गए बदल के आ गए, गए बदल के आ गए, कोई समझे कि पंडित जी जो है ना खेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे मैं क्या करूं, जब मुझे दिया है तो मुझे दिखाना तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है भैया कि पंडित जी सम्मान भी हम करें, दक्षिणा भी हम दें, और आपने सारे वचन इनके ले लिए, मुझे क्या फायदा हुआ। तो भाई अब ऐसा है, अब मैं उधर था, अब ये ऊंट इस करवट बैठेगा, अब मैं जो है आपके वचन लेता हूं। वर सचिन ये कहते हैं मैं ये सारे वचन दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब मेरे वचन स्वीकार हो जाए। सीना जरा, वाह, मेरे वचन स्वीकार हो जाए। और वहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये वहां पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मदीय चेतानुगतम सचेतम, मदीय वेतानुगतम सचेतम, सदा मदा क्या परिपालयन् च, हे प्रदा धर्म परायण स्वं पादे प्रदा धर्म परायण स्वं। तुमने सात
वचन मांगे मैं सातों के सातों दूंगा, लेकिन मेरा वचन है मेरे चित्त के अनुरूप तुम्हारा चित्त होना चाहिए। अर्थात मैं प्रसन्न मुद्रा में हूं, आप हंसी कीजिए, ठटोली कीजिए, मजाक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर खिन्न मुद्रा में हूं, नौकरी से आया हूं, व्यापार से आया हूं, समाज से आया हूं, कुछ सुन के आया हूं, कुछ सुना के आया हूं, जाने मेरा मूड कैसा है, ये सबके ऊपर लागू होता है, ध्यान रखना। और उस समय अगर आपने कोई हंसी कर ली, कोई मजाक कर ली, कोई ठिटोली कर ली, तो मालूम है वो गुस्सा किस पे जाएगा? अज्ञा दो प्रज्ञा किसके ऊपर जाएगा? पत्नी के ऊपर जाएगा। इसलिए मेरे चित्त के अनुरूप तुम्हारा चित्त होना चाहिए और मेरे वित्त के अनुरूप तुम्हारा खर्चा होना चाहिए। मैं लाख कमाता हूं, लाख में खर्च करो, लेकिन किस तरह? चौथा हिस्सा भविष्य के लिए बचा करके, एक हिस्सा धर्म के लिए, एक हिस्सा समाज के लिए, एक हिस्सा अपने लिए, उसको डिवाइडेशन करके फिर आप खर्चा करो। तो मदीय चित्तानुगतम सचित्तम, मदीय वित्तानुगतम सचित्तम वित्तम, मेरे वित्त के अनुसार तुम्हारा खर्चा होना चाहिए। वहां पर कभी भी ये डिमांड नहीं करेंगे कोई भी महिला, मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्यों? अरे भाई, एक बहन करोड़पति के चली गई, एक बहन लखपति के चली गई, एक बेचारी दुखी है। अब वो दुखी वाली अगर ये कहे मुझे भी वैसे ही बनना है, तो भाई वो तो हो नहीं सकता। इसलिए मेरे वित्त के अनुरूप तुम्हारा खर्चा होना चाहिए। और सदा मदाज्ञा परिपालन च, सदा मेरी आज्ञा का पालन करती हुई और पतिव्रता धर्म का निर्वाह करोगी। अगर आप ये वचन मानती है तो मैं बाएंग लेने को तैयार हूँ, बोलिए तथास्तु। अच्छा, माइक दो। खैर, बहुत अच्छा बोलिए बेटा। अब जो है ये कहते हैं, आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्ठा प्रिया भाषा। सबसे पहले हमारे धर्म को धारण करोगी। अगर आपको ये बात मान्य नहीं तो फिर आप एक घर में आई क्यों? हमारे धर्म को धारण करना पड़ेगा। वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा कि मेरी मम्मी ये करती है इसलिए मैं यहाँ पर भी ये करूँगा। वो परिवार उधर का है, ये परिवार इधर का है। हर बारह कोस पर वाणी और जो है अपने नेकचार सब बदल जाते हैं। अभी आपका गोत्र गोयल था और अब क्या हो गया? जिंदल हो गया। तो अब एक बात बताओ, अब गोया फिर दूसरी बात और आप जो हमने शेखा वाटी की, ये राजा वाटी की, वहां के नेकचार कुछ अलग होंगे, यहाँ के नेकचार कुछ अलग होंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी। तो जो यहाँ का धर्म है बेटा, यहाँ के जो कर्म है उनको आपको करना है। वहां पर मम्मी का नियम लागू नहीं करोगे। आदौ धर्म धरा, सबसे पहले हमारे धर्म को धारण करोगी। कुटुंब सुखदा, कुटुंब को सुख देने वाली बनी। आप लाख कमा के लाई, दो लाख कमा के लाई पर मंथ, दस लाख कमा के लाई, वो हमारे किस काम की? अगर हमें देवी दी तो हमारे पास तो बचेंगे, वो तुम्हारे ही पास आने। लेकिन हमें क्या चाहिए? मेरे माता पिता का सम्मान करना। मिष्ठा प्रिया भाषिणी, सदा मीठी बोलने वाली बने। और मीठा बोल करके कुछ जाता नहीं है, बल्कि मिलता ही है। अब वहां पर आपका कर्तव्य है उनका कहना मानना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। अगर उन्होंने कहा बेटा जरा पानी पिला देना, तो रवीना टंडन की तरह तो करना मत। आप क्या समझते हो मैं पिक्चर नहीं देखता? तो रवीना टंडन की तरह मत करना कि क्या कहा, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। तो वो धर्म तुम्हारा नहीं है। और देखो एक बात बता देता हूं, जितनी भी नारियां हैं, किसी भी संबंध में धर्म नहीं लगता, केवल एक ही संबंध में धर्म लगता है, धर्म पत्नी।
बाकी और किसी भी संबंध में धर्म नहीं लगता। धर्म पिता, धर्म माता, धर्म चाचा, धर्म भाई, धर्म बहन, ये कोई मान लो, लेकिन पत्नी का जो धर्म है, पत्नी के साथ जो धर्म है, वो पत्नी का ही धर्म है। तो धर्म पत्नी है, इसलिए आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा, कुटुंब को सुख देने वाली बने। और एक चीज बता दूं, चाहे कितनी भी दुनिया की जो है ना सुंदर से सुंदर नारियां हो, केयूराणि भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, जितनी भी नारियां हैं, केयूर मुकुट हार ये शोभा नहीं देते। हारान चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी जो है वो जो है शोभा नहीं देते। और न स्नानम न विलेपनम, ना स्नान शोभा देता है और ना जो है ना वो क्या कहते हैं वो ब्यूटी पार्लर, विलेपनम ना कुसुमम, कितने ही गजरे लगा लो। हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, ये जो है शोभा नहीं देते। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक् भूषणम भूषणम, ये सब जितने भी जो हैं हार पहनना, ये पहनना, वो पहनना, ये शोभा नहीं देते। लेकिन जो वाणी से जो शब्द निकलते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपने प्यार से एक पानी का गिलास पिला दिया, लीजिए ये लीजिए महाराज, और तो कुछ मेरे पास जो है ना है नहीं, होता तो मैं देती और होगा तो दूंगी, लेकिन आज आप दरवाजे आए हो, पानी पी के जाइए, ये स्त्री का धर्म है, ये नहीं है आ गए सुबह सुबह, ये काम नहीं है बेटा। तो वाक संस्कृता धारियंते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाक भूषणम भूषणम, वाणी आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण है, इसलिए मिष्टा प्रिया भाषिणी सदा मीठी बोलने वाली बने। हाँ जी हाँ जी, करो मत चाहे, करो मत चाहे, लेकिन ये नहीं है कि नहीं करोगी, वो केवल ये है मेरा कहना कि मम्मी ने कहा। देखो अभी एक बात बता दूं, इधर मदर और मदर इन लॉ, लॉ का मतलब क्या हुआ, लॉ का मतलब कानून, कानून का मतलब नियम और नियम का मतलब धर्म। तो यहां पर जो है मदर इन लॉ फादर इन लॉ, ये कानून से आपके फादर बने हैं, ये कानून से यानी धर्म से आपकी माँ बनी है, ये धर्म के भाई हैं, धर्म की बहन हैं, तो वहां पर और आप जो हैं धर्म की धर्म से पत्नी हो, इसलिए आपका धर्म है उनकी आज्ञा का पालन करना। मिष्टा प्रिया भाषिणी क्रोध आलस्य निवारिका, क्रोध और आलस्य को मम्मी के घर छोड़ देना फरीदाबाद में। क्यों? क्रोध जो है मम्मी के सामने हो जाता है, कर लिया भी जाता है, क्या मम्मी तुम बार बार यही कहती रहती हो, कभी जो है ना बिना काम रोक टोक करती रहती हो, ये शब्द यहाँ नहीं बैठा है, ये आपका धर्म ही नहीं है। और आलस्य क्रोध आलस्य निवारिका, आलस्य 8 बजे उठ रही हो, 9 बजे उठ रही हो, 10 बजे उठ रही हो, क्या मम्मी मुझे सोने दो, अभी मुझे नींद आ रही है, रात को तो 2 बजे सोई हूँ, पढ़ती पढ़ती लिखती लिखती, नहीं। स्त्री के घर में जिसके घर के अंदर अगर कोई धन चाहता है, स्त्री जाति नारियां प्राय सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उस घर के अंदर जो है धन की कभी कमी नहीं रहती है। पुरुषों का क्या है, अब वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, पुरुषों को क्या है, वैसे उठना सभी को सूर्योदय से पहले चाहिए, लेकिन स्त्री जो है उसके साथ में धर्म जुड़ा है, इनके साथ धर्म भी तो नहीं जुड़ा, धर्म पत्नी है तो हर काम में धर्म है, बोलने में धर्म, चलने में धर्म, बैठने में धर्म, उठने में धर्म, देने में धर्म, लेने में धर्म, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम तो उनके हर काम में मर्यादा थी। तो क्रोध आलस्य निवारिका, पर ये सब जो है उनको छोड़ करके आएंगी, अगर आपको ये वचन मान्य है तो मैं आपको भाई लेने को तैयार हूँ, बोले तथा। एक ये है
उद्याने मद्यपाने पितुर्गृह गमने तथा कभी भी बाग बगीचे में मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, किसी भी गार्डन में अकेली नहीं जाएंगी। जोगिंग कर रही हाँ ये नहीं, वहां पर जो है जाए तो ससुराल पक्ष से या मैके में से कोई भी माता है, बहन है, भाई है, पिता है, वो साथ में हो तो आप जो है विदेश गार्डन में भी जा सकती हो, बाजार में भी जा सकती हो, लेकिन अकेली कभी भी नहीं जाएंगी। अब जो है यहां पर कहे हैं कि उद्याने मद्यपाने, दो व्यक्ति अगर मद्यपान कर रहे हो तो उनके बीच में भी जाकर उनके साथ सामने से भी तुम्हें नहीं गुजरना होगा। पितुर्गृह गमने तथा पिता के घर में भी जाना हो बेटा, पिता के घर में भी जाना हो तो उधर से बुलावा आना जरूरी है। उधर से बुलावा आए और इधर से स्वीकृति मिल जाए, सहर्ष जाएगी। लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं, सास ससुर को पता ही नहीं, बहू कहाँ गई है, कब पियर चली गई, कब पियर से आ गई, तो वहां पर जो है सम्मान नहीं रहता। ठीक है वो घर आपका है, मम्मी पापा आपके गए, लेकिन वो बुलाएं, इज्जत से बुलाएं। और इधर से इन्होंने स्वीकृति दे दी, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, मना कोई करेगा नहीं, लेकिन उनको सम्मान देना ही अपना धर्म है। तो पितुर्गृह गमने तथा आज्ञा भंगों ने कर्तव्यम वर्वाक्यम चतुष्टयम, कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन आप नहीं करेंगी। अगर आप ये जो है स्वीकार करती हैं तो मैं भांग लेने को तैयार हूँ, बोलिए तथास्तु। देखो भाई बात ये है, दूल्हे ने माना, दुल्हन ने माना, तो हमने भी जो है एक चीज ठाना, क्या दोनों हाथों को खोलिए और फिर बाद में तालियां बजाइए, दोनों ने जो है स्वीकार किया गए। इधर उधर से नहीं आ रही पंडित जी, आपने भी नहीं बजाया, खड़े हो। क्या ये गड़जोड़ा नहीं? हाँ ये हटा दो, ये हटा दो, अब आप इधर आइए। प्रज्ञा ऐसे घूम कर देखो इनकी तरफ देखती हुई और फूल की तरह से, कमल की तरह से घूमती हुई और फिर यहाँ आ गई। पंडित जी हमन का ये हटाइए, घी का कटोरा, घूम जाओ बेटा। फूल की तरह घूमती हुई राइट हैंड की तरफ घूमती हुई, हाँ ये बात, ये बात। अब आप बैठिए अपने अपने स्थान पर। अब एक तो चुंदड़ी यहां उठाई जाती थी तो चुंदड़ी की गोद, फेरों की गोद, दो गोद भरवा दो और सुहागी कल्पवा दो, मांग भरवा दो, बाकी परम गोद नहीं। तो चार भरवाऊंगा, चार भरवाऊंगा, एक सिरगुंती की, एक जो है ना पैरावणी की, फिर भटाई की, दो गोद। अब मांग भरवा दो, सिंदूर लाए होंगे ना है? गिर रहा है बेटा, इसको ठीक कर लो। अब इतने वचन तो
विकास जी, इतने वचन तो इन्होंने आपस में दिए, लेकिन ये एक वचन लड़की जो है अपने पापा से, पापा को दे रही है। पापा को क्या वचन दे रही है? अरे देती हूँ पापा वचन आज एक प्यारा, देती हूँ पापा वचन आज एक प्यारा, देती हूँ पापा वचन आज एक प्यारा, वचन आज एक प्यारा पापा, वचन आज एक प्यारा, वचन आज एक प्यारा पापा, वचन आज एक प्यारा, देती हूँ पापा वचन आज एक प्यारा, देती हूँ पापा वचन आज एक प्यारा, तुमने मुझको पढ़ाया, तुमने मुझको जीने का सलीका सिखलाया, जीने का सलीका सिखलाया, माता पिता को स्वर्ग पहुंचाए उसको कहते हैं बेटा, और घर के अंदर स्वर्ग को ले आए उसको कहते हैं बेटी। लेकिन बाकी आगे मैं क्या कहूं, जो घर को ही स्वर्ग बना दे उसका नाम होता है बहू। जय हो। दो भरवा दो आती आते दादाजी, एक आप नहीं वो आगे, हाँ तो अभी एक ये बढ़ती फिर एक। अच्छा जी, मांग मांग मांग, सिंदूर निकालो भाई, सिंदूर निकालो। हाँ पढ़ दो, हाँ बेटा चरण छू ले, सीधे हाथ से, हाथ नहीं पहुंचेगा सीधे हाथ से, थोड़े घूम जा। और उत्तर की तरफ देख करके ध्रुव को प्रणाम कर दिया, जैसे ध्रुव सदा एक ही जगह पर स्थित है। देखिए एक बात एक नई बताता हूं मैं आपको, अभी तक उस जगह पर साइंस नहीं पहुंची है। सूर्य के कहते हैं कि सूर्य के सब चक्कर काट रहे हैं, साइंस अभी तक वहीं तक पहुंची है। हजारों आकाश गंगा है, हजारों ये हैं, हजारों वो हैं, और सूर्य के सब चक्कर काटते हैं, ये अभी तक विज्ञान कहता है। लेकिन सूर्य भी चक्कर काटता है, सूर्य भी चक्कर काटता है, और सब चक्कर काटते हैं, लेकिन एक ध्रुव तारा है वो सदा अपनी जगह पर स्थित है। उसी तरह से हम भी अपने मन से वचन से धर्म की पालना पर अडिग रहें। ये ध्रुव से जो है आशीर्वाद आप लीजिएगा, और अब जो है अपना सीधा हाथ लाओ, सीधा हाथ लाओ, और इधर जो है कंधे पर, यहाँ पर बाएं कंधे पर हाथ रखो सामने से, बाएं कंधा, बोलो मम व्रतेते हृदयम् आदधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम मन एक मना जुखस्व। अब आपने ये कहा
आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं, तुम्हारा मन और हमारा मन, तुम्हारी बुद्धि हमारी बुद्धि, तुम्हारे विचार हमारे विचार, सदा एक रहे। ठीक है, अर्थात और लाओ जी सुहागी कल्पाओ, सिंदूर भरो ना। मांग भरवाओ भाई, एक दो लड़कियां आ जाओ, मांग भरवाओ जरा। राम सिय सिर से धुर दे, उसके पश्चात लाला जी संकल्प लीजिएगा, विकास बाबू संकल्प लीजिएगा, संकल्प दे विकास बाबू को। तत्सत अध्याय मासानाम मासो तमे मासे, स्वाद पिटारी देंगे आप लोग, आओ ना तो सात सुआगन। आ जाओ, जो भी आपके अपने नेक चार हैं उनको सबको करो। हाँ जी, तस्सद्य मासानाम मासोत्तमे मासे पौष मासे सुबह शुक्ले पक्षे, शुक्ले पक्षे द्वादश्याम तिथौ चंद्रवासरान वितायाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, अपना गोत्रोत्पन्नो हम, गोयल गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक नामा हम। पंडित जी अपने पास से दक्षिणा रख दो उनके हाथ में। कुछ भी रख दो, बोलिए वर्ण कर्तिक ब्राह्मण है ब्यो, वर्ण दक्षिणा दातुम अहम मुसुजे चढ़ा दो। स्वागी सात स्वागनों को बांट देते हैं। हाँ, तो बाबू साहब ये जो भी आपने विकास जी, जो भी आपने ब्राह्मणों का वर्ण किया, ये वर्ण की दक्षिणा का संकल्प जो है आपके द्वारा किया गया, अब आपने जो कहा वो दक्षिणा दे दीजिए। बाकी अब इतना फेरों का कार्य संपन्न होने जा रहा है, आरता के लिए आ जाए लड़की, और अगर किसी को भी फेरे पसंद आए हों
तो भाई तालियां जरूर बजा दो, हम जो है खुश हो जाएंगे। दक्षिणा आपके मन की, फेरे हमारे मन की। हाँ, इधर तुम करोगी, उधर आरता जो है ना वो करेंगी।